जी का कौन सा योजना आपको पसंद है? कौन योजना पसंद है उसका? बिहार के लिए तो परेशानी में चल रहे हैं। अच्छा, हम लोग मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी के गांव में, और उनके घर के नजदीक दिखा दीजिए, ये उनका घर है, और उनके ग्रामीण और उनके पड़ोसी यहाँ पे मौजूद है हमसे बात करने के लिए। और हम यहाँ पे जानेंगे कि मौजूदा मुख्यमंत्री जी से यहाँ के लोग कितने खुश है, मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा जो भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं कितना पहुँच पा रहा है, ये बताइए। मुख्यमंत्री जी का कौन सा योजना आपको पसंद है? कोनो योजना पसंद है उसका? क्या है भैया? नहीं, उसका योजना को पसंद है हम लोग को? आप बताइए। नहीं दिया है हम लोग को, जो वृद्धा। अच्छा, आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है? काहे नहीं मिलता है? अच्छा, ये बताइए, यहाँ के आपके गांव के मुख्यमंत्री जो थे वो ईमानदार थे, इसी कारण आप लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है क्या? जी, यही बात हो रहा है सर। क्या? यस यस। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं आप लोग कि उनके योजना यहाँ तक कैसे पहुँचे? अच्छा, ये बताइए मुख्यमंत्री जी, शराब बंद कर दिए हैं, आप लोगों को कितना फायदा हो रहा है शराबबंदी से? बहुत फायदा हो रहा है। फायदा है ना? हाँ है। मुख्यमंत्री जी के शराबबंदी योजना को ये लोग सराह भी रहे हैं। यहाँ पे शराब नहीं ना मिलता है? शराब पीते रहता है। अभी तो चाची जी बोली कि शराबबंदी से बहुत फायदा है। कम हुआ है, जैसे पहले कम हुआ है, कोई योजना बंद नहीं हुआ उसका। आप बताइए क्या कह रहे हैं? कहना यही था कि मुख्यमंत्री जब चुनाव के समय बताया 19 लाख युवा को रोजगार देंगे, क्या उसका बात सही है या गलत है? आप बताइए ना, आप ही लोग बिहार के जनता है, आप लोगों को रोजगार मिला है क्या? रोजगार के लिए तो परेशानी में चल रहे हैं। अच्छा, बेरोजगारी के चलते में परेशानी झेल रहे हैं। तो सरकार में आने से पहले तो ये लोग वायदा किए थे कि आप लोगों को 19 लाख रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा, कहाँ है उसका रोजगार? आप लोग बताइए, मिल रहा है? नहीं नहीं सर, मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है क्या? रोजगार मिल रहा है क्या? बताइए, आप लोग मुख्यमंत्री जी ढोल पीटते हैं खाली? जनता हकीकत में सुनिए, जनता क्या कह रही है। बहुत परेशानी से चल रहा है, लोग बहुत दिक्कतदारी से पढ़ लिख के आगे बढ़ा है, लोग को अच्छी जिंदगी जीने के लिए हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन मुख्यमंत्री मेरे माननीय नीतीश कुमार जी विगत तीन टर्म से मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन आज तक सोचा नहीं कि महादलित कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। तो कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है। नहीं, सब झूठ है, कोई सरकार नहीं है। आप लोग दलित है और नहीं सुनते हैं मुख्यमंत्री? वो तो कहते हैं मेरा पूरा योजना ही इन लोगों के लिए ही है, कुछ नहीं है। अच्छा, ये बताइए, तो मुख्यमंत्री जी का कोई काम तो आप लोगों को पसंद आता होगा? जी नहीं, कोई काम पसंद नहीं आया। जो मुख्यमंत्री जी का कौन सा काम पसंद आया है आपको? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, कोई काम नहीं सर।